सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ आप लोगों का मैं एसटी कैंपस टीचिंग एग्जाम के मंच पर। दिस इज निहारिका। अगर हम लोग बात करते हैं सीटेट की, तो सीटेट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस पेपर को लेकर, क्योंकि उनको पता है ये साल में इनके पास दो मौके होते हैं। दो मौके हैं साल के और एक मौका तो हमारा बीत चुका है, एक मौका बाकी है। तो आज पूरे सेशन में बात करने वाली हूँ सीटेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज सीडीपी, जो कि आप लोगों को लगता है टफ। और आपको ये भी पता है कि अगर हमने इस सीडीपी में अच्छा परफॉर्म कर लिया तो हम बाकी थ्रू आउट जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे? बिकॉज हमको पैडागॉजी आ जाती है। सीडीपी में जो पैडागॉजी होती है उसकी ही रिलेट होती है पैडागॉजी बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। सीडीपी अच्छे तरीके से पढ़ लिया, एसएसटी की पैडागॉजी आ जाएगी। सीडीपी अच्छे तरीके से पढ़ लिया, आप लोगों को क्या आ जाएगा? आप लोगों को इंग्लिश की पैडागॉजी, हिंदी की पैडागॉजी, आप लोगों को संस्कृत की, आप लोगों को साइंस मैथ सबकी पैडागॉजी आप लोगों के हाथ में हो जाती है। तो पैडागॉजी तो आप लोगों को पता है 15-15 नंबर की तो सब्जेक्ट्स में आती है। तो फिर मतलब क्या है, सीडीपी पक्के कर लेते हैं सो दैट हम लोग सीटेट अपना क्रैक कर लें। चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे सेशन को विदाउट एनी डिले। और आप लोगों को सबसे पहले क्या जरूरी है, एक बार मैं सिलेबस दिखा देती हूं कि क्या सिलेबस है। एक बार गो थ्रू होंगे सिलेबस से सो दैट आप लोगों का थोड़ा सा माइंड होता है ना, माइंड मेकअप हो जाए, माइंड प्रिपेयर कर लो आप लोग कि हाँ हमने क्या पढ़ना है। यहां पर आपको शायद छोटा छोटा दिख रहा होगा, इसको हम बड़ा भी करते हैं, परेशान मत होइएगा। यहां पर सबसे पहले मैं बात कर देती हूं 30 क्वेश्चंस होंगे पेपर में। कितने क्वेश्चंस होते हैं आपके? 30 क्वेश्चन यहां पर, ठीक है, विजिबल है ना आई थिंक आप सभी को। चलिए सो बात हो रही है 30 क्वेश्चंस होते हैं पेन कांगड़े अभी। हाँ 30 क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के सीटेट में सीडीपी के। सीडीपी के 30 क्वेश्चन दिख रहे हैं। हाँ जी 15 क्वेश्चंस आप लोगों को इस टॉपिक में आएंगे, याद रखिएगा। अब ये टॉपिक्स क्या है, बीएड किया है, डीएलएड किया है, पहले आप लोगों को ये करना पड़ेगा। आप लोगों ने अगर बीएड किया है, हाँ ना गाइस, अगर आप लोगों ने क्या किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों ने डीएलएड भी किया है, ठीक है, आप लोगों ने ये किया रियलिट किया था, आप लोगों ने यहाँ पर अगर आप लोगों ने बीटीसी भी किया था, तो अगर आप लोगों ने ये सारे कोर्सेज किए थे तो आप लोगों को शायद इस बात का पता होगा कि इन सभी कोर्सेज में आप लोगों को सीटेट पैडागॉजी पढ़ाई गई थी। आप लोगों को पैडागॉजी नहीं पढ़ाई गई थी, एटलीस्ट आपको साइकोलॉजी वाला एक सब्जेक्ट लगा था, छोटू सा सब्जेक्ट था वो, ज़्यादा उसको डीप में बताया नहीं गया, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको बीएड में भी पढ़ाए गए थे, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो बीएड में डीएलएड के दौरान या फिर आप लोगों ने बीटीसी के दौरान पढ़े होंगे, ध्यान ही नहीं दिया था हमने, है ना। चलिए एक बार फिर से मौका है आप लोगों के पास उन सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ने का। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ही हैं जो हमको पढ़ने हैं। आप लोगों को मैं पहले ही बता देती हूँ हर एक टॉपिक को समझना होगा, और इस क्लास में बताने वाली हूँ कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक्स में से। बात होती है चाइल्ड डेवलपमेंट की। पहला आप लोगों का हो गया, आप लोगों का पहला टॉपिक हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके तो चाइल्ड डेवलपमेंट पर आपको कौन सा जो है क्वेश्चन आता है ये जरूर देखना आप लोग। प्राइमरी स्कूल चाइल्ड मतलब क्या, जो टीचर्स जो हैं वो प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी लेवल मतलब कि फर्स्ट से लेकर 5 ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए सीटेट 1 पेपर 1 पेपर 2 में भी ये सब्जेक्ट आपको टॉपिक मिलेगा। ध्यान से देख लेना एक बार, पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस होता है सीटेट का वो एकदम क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, वही टॉपिक उन्होंने उठाकर वहां पर डाल देने होते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, ठीक है। इसमें क्या आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात आई है, जिसमें डेवलपमेंट चाइल्ड की उसकी रिलेशनशिप, उसकी डेवलपमेंट की रिलेशनशिप विद लर्निंग की इसके साथ, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस आ गया। फिर आप लोगों के एकदम फेमस फेमस कौन से आ गए, ये तो भाई एग्जाम में आप जिन्होंने एग्जाम पहले भी दिया हुआ है या देने वाले हैं उनको ये पता है कि ये तो बार बार पूछे जाते हैं। कौन पूछा जाता है, इनकी बात कर लेती हूँ मैं, जो कि आप लोगों को बार बार पूछा जाएगा, बार बार ये तो हमेशा आएंगे आपको। पियाजे आएगा गाइस, क्या आएगा आप लोगों को, पियाजे आएगा, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ठीक है, आप लोगों को वो। और भी पेवलोव की थ्योरीज भी आती हैं, यहाँ पर शायद नहीं मेंशन हो, पर पेवलोव की थ्योरी भी आ जाएगी आप लोगों को। तो पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये तो आपने टिप्स पर करने हैं मेरे साथ आप लोगों को। एक जे वॉटसन की थ्योरी आ रही है आजकल, तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें पढ़नी है, कंस्ट्रक्ट्स पढ़ने हैं, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इनका पढ़ना है आप लोगों ने, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्रिटिकल परसेप्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंसी, मल्टी डायमेंशनल हार्वर्ड थ्योरी आप लोगों को आएगी यहाँ पर, तो हार्वर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इसमें से तो एक क्वेश्चन आपको पक्का ही होता है एग्जाम में आना। इसमें से आपके मान लीजिए दो
क्वेश्चन तो आपके इसमें से पक्के होते हैं। ये 15 नंबर का यही पार्ट आपका कंफर्म हो जाता है। लैंग्वेज एंड थॉट में भी आपका बेटा एक क्वेश्चन बनता है। मल्टी डायमेंशनल थ्योरी ऑलवेज आती है, ये दो क्वेश्चन लेकर आती है। अगर बात करते हैं हम लोग असेसमेंट कंटिन्यूस कॉन्फ्रेंसी वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट, इसमें भी आप लोगों का एक आधा क्वेश्चन तो फंसता है। आगे बात करेंगे फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स, और मतलब कि आप कैसे क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे, वो सारी चीजें आप लोगों की, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों का सीटेट का सीडीपी का पेपर बनाते हैं। और यही सीडीपी का पेपर जो होता है, सीडीपी सब्जेक्ट होता है, बाकी सब्जेक्ट्स में आप लोगों के हेल्पफुल होता है। मानकर चलिए अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज कम है अपने सब्जेक्ट की, एसएसटी की थोड़ी सी नॉलेज कम है, इंग्लिश की नॉलेज कम है, बट स्टिल यू कैन डू, ठीक है ना, आप लोग फिर भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास सीडीपी होगा तो वो बहुत आप लोगों का इंपॉर्टेंट माना जाएगा। आगे ये तो हो गया आपका सिलेबस। अगर मैं सिलेबस को छोड़कर यहाँ पर बाकी जो आपकी चीजें हैं उसकी बात करती हूँ, यहाँ पर देखिए इतना हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये वाला तो गाइज इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना इंक्लूसिव एजुकेशन वाला, कि आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक इंक्लूसिव एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। एक सेकेंड, ये देखिएगा इंक्लूसिव एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट, लर्निंग एंड पेडागोजी, ये तो अलग है। 5 क्वेश्चन आपके इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन आपके उस टॉपिक में से आएंगे, 5 क्वेश्चंस आपके इंक्लूसिव एजुकेशन में से आ रहे हैं, और आपके बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 10 क्वेश्चंस वो आपके बनेंगे लर्निंग एंड पेडागोजी। यही 10 क्वेश्चंस आपको बाकी पेडागोजी भी क्या करवा देगी, कवर करवा देगी, बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी भी कवर करवा देगी। सो दैट्स वाई ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैंने आप लोगों को अच्छा खासा टाइम दे दिया है इस सिलेबस को दिखाने में। अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों के, अब पहले क्वेश्चन को आप लोगों ने देखना है कैसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये विजिबल होगा बोर्ड, है ना, और बोर्ड भी विजिबल है और आप लोग देख भी पा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों का आया है, ऐसे क्वेश्चन आपको सीडीपी में आते हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चंस नहीं करवाई जाएंगी, पूरी थ्योरी, मतलब थ्योरी पार्ट भी करवाया जाएगा, पूरा डिटेल से हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, सो दैट आप लोग ओनली ऑन सीटेट की नहीं, DSSSB की सीडीपी की भी तैयारी कर ले, ठीक है ना, वो भी तो क्रैक करना है आप लोगों ने। सिर्फ सीटेट करने से तो सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली, सीटेट तो शुरुआत है, है ना, एक लेवल हम लोग पार करेंगे आगे के लिए। चलिए आइएगा, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा क्या हो, कि सबसे ज्यादा उन्होंने कहा है क्रिटिकल पीरियड किस चीज का, एक्विजिशन का एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। सबसे ज्यादा क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, एक बच्चा होता है उसकी उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण पीरियड, या कह लो या फिर जिसमें सबसे ज्यादा उसको परेशानी होगी लैंग्वेज को सीखने में, एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट दोनों, तो ये दोनों अलग कैसे हैं, डेवलपमेंट में क्या होता है, एक्विजिशन में क्या होता है, ये दोनों का अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्विजिशन होता है जैसे आप लोग एक्वायर करते हैं कोई चीज, ठीक है, कुछ भी आप लोग लैंग्वेज इधर सुन रहे हैं उधर सुन रहे हैं, घर पर आप लोग लैंग्वेज सुनते हैं, ठीक है, उसका कोई आप लोगों में मतलब वो नहीं होता ना, उसमें कोई वो नहीं बता रहा कि बेटा ये ग्रामर ग्रामेटिकली ये सेंटेंस मैंने करेक्ट बोला था। हिंदी आप लोगों को आ जाती है, आप लोगों को इंग्लिश आ जाती है, आप लोग अगर आपका एनवायरमेंट वैसा होता है, तो एक्वायर एंड एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट में उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल पीरियड क्या होता है लैंग्वेज का, दोबारा समझिएगा, उन्होंने कहा कि द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, कौन सबसे ज्यादा क्रिटिकल पीरियड है, प्रीनेटल पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड या फिर एडोलसेंस, यही पीरियड होते हैं डेवलपमेंट के, है ना, बच्चा ऐसे ही विकास करता है, ह्यूमन बॉडी जो ह्यूमन होता है, है ना, ह्यूमन है ना, एक सेकेंड, हाँ, तो वो कैसे विकास करता है, वो ऐसे विकास करता है। पहली बात आती है प्रीनेटल पीरियड, प्रीनेटल पीरियड क्या होता है, प्रीनेटल पीरियड होता है गाइस जब आप लोग बच्चा माँ की गर्भ में होता है, ठीक है, तो वो होता है प्रीनेटल पीरियड। ये आपका जैसे कोई वाइफ जो कोई भी औरत होती है वो कंसीव कर लेती है या फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो लेडी आफ्टर 2 मंथ्स के बाद, उसकी प्रेगनेंसी के आफ्टर 2 मंथ्स के बाद ये प्रीनेटल पीरियड वो स्टार्ट हो जाता है। अर्ली चाइल्डहुड, बच्चा पैदा हुआ उस टाइम से उसका अर्ली चाइल्डहुड जो होता है स्टार्ट हो जाता है। मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है, वो वाली एज, या फिर एडोलसेंस, एडोलसेंस तो आपको पता ही 18 साल का हो गया, एडोलसेंस के 18 साल से पहले पहले एडोलसेंस आपकी आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोगों का सीधा सीधा अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा थोड़ा सा डेवलप होता है, माइंड, लर्निंग, एक्विजिशन, सब कुछ कहाँ स्टार्ट होती है, अर्ली चाइल्डहुड में। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं
हैं प्रीनेटल पीरियड में, तो प्रीनेटल पीरियड में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड में ही आपका बच्चा थोड़ा सा सुनता है, देखता है, समझना शुरू करता है, उसका माइंड प्रिपेयर होता है कोई चीज को रिसीव करने में, है ना, कोई चीजें आसपास में देखने पर रिसीव करने में उसका माइंड प्रिपेयर होता है। सो अर्ली चाइल्डहुड विल बी देयर, मिडिल चाइल्डहुड नहीं, एडोलेसेंस नहीं। नेक्स्ट वन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेज ऑफ, कहा गया है, क्वेश्चन छुपना चाहिए, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, वेट, हाँ जी, कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने भी थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि इनमें से कौन सी जो स्टेज थी उन्होंने जो है वो प्रपोज्ड की थी, उनके द्वारा वो बताई गई थी। लेटेंसी स्टेज कही गई थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहा गया उन्होंने, या उन्होंने बात की है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, या फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज। तो गाइस आप लोगों को पता है जो जीन पियाजे की थ्योरी है वो क्या है, कहती है ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी, है ना, कंडीशनल ऑपरेटिंग आप लोगों ने सुनी होगी ना, प्री ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी। ये सारी थियोरीज किसमें आती है, जीन पियाजे, जब भी जीन पियाजे की बात होगी तो वो आप लोगों का आएगा। तो कंक्रीट ऑपरेशनल थियोरी तो नहीं आएगी ना आप लोगों का, ये वाली स्टेज ही नहीं आएगी उसकी थियोरी में, जीन पियाजे की थियोरी से ही ये क्या है रिलेट है, तो ये वाला तो आपका आंसर नहीं आएगा जीन पियाजे का, ठीक है। ये किसका है, ये आंसर होगा जीन पियाजे, अगर वो होंगे तो उनका ही ये आंसर बनेगा, तो ये वाला तो नहीं बनेगा। अब रहेगा लेटेंसी स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज। जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सो यस आप लोगों का होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, आप लोगों का जैसे मैंने बताया वो हो जाएगा आप लोगों का मैम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो हो जाएगा, रिलेट करेगा जीन पियाजे से। तो अब आगे जो जितनी भी थियरीज हैं आप लोगों को थियरी वन बाय वन पढ़नी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की की अगर बात करेंगे सोशल कंस्ट्रक्ट वो SCL की बात करते हैं, जब भी हम वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ते हैं ना गाइस ये याद रखना। बट स्टिल इसका जो आंसर होगा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की बात होती है, इसमें किसकी बात होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की। मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय, फॉलोइंग इज स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को प्रपोज्ड बाय किसने किया था, बाय लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट में क्या आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, बच्चा क्या होता है सामाजिक अनुबंध, मतलब क्या है वो समाज के साथ वो रिलेट करता है, बच्चा समाज से वो मॉरलिटी भी सीखना शुरू कर देता है इस थ्योरी के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग क्लासरूम, अब ये कहा गया है क्लासरूम के ड्यूरिंग, यस क्लासरूम डिस्कशन, टीचर पे ऑफन पे ज्यादातर टीचर क्या करता है मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स, गर्ल्स की तरफ वो क्या करता है बॉयज, एक टीचर है जो क्या करता है ज्यादातर अपनी अटेंशन किसकी तरफ देता है, ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज, ज्यादातर जो क्या है टीचर अपनी जो अटेंशन है वो ज्यादातर बॉयज की तरफ होती है उसकी, देन गर्ल्स की, गर्ल्स करेंगी क्या पढ़कर, ये क्या पढ़ेंगी छोड़ो बॉयज को पढ़ाएं अच्छी तरह से, इन्होंने नौकरी करनी है। अगर टीचर ऐसी चीजें कर रहा है तो वो क्या है, जेंडर बायस है, जेंडर आइडेंटिटी है, जेंडर रेलिवेंस है, जेंडर कॉन्स्टेंसी है, या बताइएगा। देखिए जेंडर संबद्धता तो नहीं आएगा, जेंडर समरूपता, जेंडर पहचान, जेंडर पक्षपात, तो पक्षपात ही कर रहा है कि भाई लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाएगा, लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, लड़कों की तरफ ध्यान दिया जाएगा, तो एक ही आंसर आएगा जेंडर बायस, बायस विल बी द राइट वन। ओके ये आप लोगों को आने भी चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सीटेट के परस्पेक्टिव से, फिर आपको पेपर आता नहीं है और आप लोगों का एग्जाम इस बार भी बहुत सारे बच्चों का क्वालिफाई नहीं हो पाया, टफ होता है और आप लोग पढ़ कर नहीं जाते उन एग्जाम को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस करना चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल्स कंफर्म, कैसे आप लोग बच्चे के अंदर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को क्या कर सकते हैं आप लोग इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस आया, रिड्यूस का मतलब क्या, इसका एक बहुत फायदा होता है, CDP आपको दोनों लैंग्वेज में मिलती है, आपको इंग्लिश में मिल रही है, वहां पर हिंदी में भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है ना कि आप लोगों को अब अच्छे तरीके से आप समझ भी सकते हैं क्वेश्चंस को। कई बार होता है कि आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, तो बड़े आराम से आप लोग समझ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कंफर्मिटी। डिस्कशन करो उनके उनके साथ जेंडर बायस के बारे में,
जोर दो जेंडर स्पेसिफिक रोल्स की तरफ, ठीक है ना, उनके ऊपर जोर दो जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। फिर बात आ जाती है जेंडर सेरिगेटेड प्ले ग्रुप या फिर जेंडर सेरिगेटेड सिटिंग अरेंजमेंट, कि जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, कि अलग अलग जेंडर, जैसे कि मेल अलग कर दो, फीमेल अलग कर दो, बच्चा मतलब लड़कियां अलग कर दो, लड़के अलग कर दो क्लास में, गर्ल्स बॉयज अलग कर दो, और क्या कर दो, फिर गर्ल्स का एक अलग ग्रुप होगा खेलने के लिए, लड़कों का एक अलग ग्रुप होगा, लड़के लड़कियों के साथ नहीं खेल सकेंगे, और लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़के के साथ नहीं खेल सकेगी। ऐसा करेंगे तो क्या हम कमी कर रहे हैं उनके दिमाग में, वो हम तो और उपज बो रहे हैं उनके दिमाग में कि बेटा भेदभाव होता है लड़का लड़की के साथ, नहीं करना। हम लोगों ने इम्फोसाइज करेंगे जेंडर स्पेसिफिक रोल पर, कि यही यही रोल है, यही काम जो है। अब देखिए आप लोग कैसे कंफर्म करेंगे आंसर को, जी जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर। जेंडर पक्षपात के बारे में हम लोग क्या करेंगे, परिचर्चा, परिचर्चा का मतलब क्या है, उनके साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को बताएंगे बेटा कि ऐसे सोसाइटी में क्या होता है, देखो ऐसे सोसाइटी में क्या होता है, जेंडर को लेकर, लड़का लड़की को लेकर क्या होती है, बहुत ज्यादा पक्षपात चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट चर्चा तो करेंगे ना उनके साथ। तो ये हो जाएगा आप लोगों का राइट ऑप्शन। आगे कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट वाइल viewing children as an active seekers of knowledge emphasize the influence of social and culture contact on their thinking, कि इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक ने बात की है कि बच्चों के ज्ञान के लिए सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक, उन्होंने कहा था समाज जो है और संस्कृति विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया, कि कहा गया है जो समाज होता है बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के विकास में बहुत ज्यादा क्या करता है, महत्वपूर्ण होता है समाज और सोसाइटी, ठीक है ना, समाज का या संस्कृति कल्चर का बहुत ज्यादा रोल है। जहां पर बात होगी सोसाइटी की, जहां पर बात होगी कल्चर की, तो ये किसने कही है बात, ये एक नहीं कही है, किसने भाई, जॉन बी वॉटसन नहीं आएगा राइट ऑप्शन, आप लोगों का जीन पियाजे नहीं आएगा, लॉरेंस आप लोगों का आता है, एक और आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आप लोगों का सीधा सीधा एक ही आंसर आएगा, इसमें आएगा आप लोगों का लेव वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की चाचा हमेशा याद रखिएगा, वाइगोत्स्की ने बात की थी, उन्होंने कौन सी थियोरी दी थी, उन्होंने थियोरी दी थी, दोबारा से बात करेंगे हम लोग जीन पियाजे की बात करते हैं, एक बार सारे थियोरिस्ट हमारे जो है साइकोलॉजिस्ट उनकी बात कर लेते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात होती है इसमें, वो वाली थियोरी आती है, ठीक है, इनकी तो बात ही नहीं है, इन्होंने तो वो वाली बात ही नहीं कही, इन्होंने वाइगोत्स्की ने क्या बात कही है, वाइगोत्स्की ने ये बात कही है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है SCL के बारे में, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, SCL क्या है, सोशियो कल्चर लैंग्वेज, या फिर आप लोग कहिए सोशियो लैंग्वेज नहीं आएगा, सोशियो कल्चर लर्निंग, इंसान जो होता है, स्टूडेंट जो है या फिर बच्चा जो है किससे सीखता है, सोसाइटी से सीखता है, ठीक है, याद रखिएगा, बच्चा जो है किससे सीखता है, सोसाइटी से, किससे सीखता है, कल्चर से सीखता है, ठीक है, स्टूडेंट जिससे सीखते हैं, कल्चर से सीखते हैं, सोसाइटी सीखते हैं, ठीक है, तो लर्निंग क्या होगी, SCL याद रखिएगा। और ये याद रखिए किसने दी थी थियरी, ये आप लोगों की एक ही इंसान ने दी थी, एंड वो इंसान कौन थे, वाइगोत्स्की थे, ये आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। व्हाइल वर्किंग ऑन अ जिगसॉ पजल, कहा गया वर्क करना एक जिगसॉ पजल में, ठीक है, 5 years ओल्ड नजमा सेज टू हरसेल्फ वेयर इज द ब्लू पीसेस, अपने आप से कह रही है कहां पर है ब्लू पीसेस, कहां है, नॉट, नो नॉट दिस वन, डार्कर this one, darker one that would go here and make this shoe. This kind of talk is referred to Vygotsky. ये कौन सी talk कही, अपने आप से ही बात कर रही है, व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता, या फिर क्या, egocentric speech आएगी, egocentric speech तो नहीं होगी, क्या हो जाएगा, ये अपने आप से बात की जा रही है, ठीक है ना, नजमा says to herself, सीधी सीधी बात कर रही है, वो अपने आप से बात कर रही है, तो यहाँ पर आपका एक ही आंसर जो है वो सही होगा, करेक्ट आपका आंसर एक ही जाएगा, दैट इज वो बात कर रही है भाई, अपने आप से बात कर रही है, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच, ठीक है, क्या कहलाएगा ये, प्राइवेट स्पीच कहलाएगा। दिस काइंड ऑफ टॉक इज रेफर टू वाइगोत्स्की एज टू बाय वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की ने कही थी ये चीज, किसने कही थी, ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर लेकर आई हूं एक ऐसा, जो कि बहुत बार ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ टॉक इज रेफर टू बाय वाइगोत्स्की एज, इसको क्या कहा गया है, इसको प्राइवेट स्पीच कहा गया। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों का, हां जी, Giving cues to children and offering support as when needed is an example of, कि बच्चों को क्या देना, क्यू देना बच्चों को, ठीक है, क्यूज, क्यूज मतलब कोई
क्लू दे देनी, ठीक है, क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल, बच्चों को क्लू देने की, बच्चों को कोई, आप लोग जब बच्चे क्या करते हैं, आप कहते हैं ना बेटा इसका आंसर दो, बच्चा नहीं आंसर दे पाता मान लीजिए, तो हम उसको क्लू देना शुरू कर देते हैं, अच्छा तुम ये सोचो कि ऐसा हो गया होगा तो ऐसा कैसे होगा, ठीक है, फिर हम लोग कोई सपोर्ट देते हैं उसको मान लें, ठीक है ना, तो हु नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है, स्कैफोल्डिंग की, मॉडलिंग की, कंडीशनिंग की, रीइन्फोर्समेंट की, रीइन्फोर्समेंट में आपकी इंस्पिरेशन मोटिवेशन आप लोग दे सकते हो, ठीक है, कंडीशनिंग की नहीं आएगा, कंडीशनिंग में कंडीशन ना चाहिए, मॉडलिंग नहीं, हमारा एक ही आएगा स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग जहां पर आता है उसका मतलब क्या होता है, आप स्टूडेंट की क्या कर रहे हो, किसी डायरेक्ट वे में तो नहीं, इनडायरेक्ट वे में उसे क्या कर रहे हो, आप लोग हेल्प करोगे, ठीक है, तो आपका एक ही आंसर आ जाएगा स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कहा गया है, इनमें से कौन सा बिहेवियर जो है करेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज बाय जीन पियाजे, तो जीन पियाजे ने यही बात की थी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात की थी एज प्रपोज बाय जीन पियाजे, हाइपो, हाँ कहा गया है हाइपोथेटिको डिडिक्शन रीजनिंग प्रपोज, क्या परिकल्पित निगमानात्मक तर्क, साध्यात्मक तर्क, संरक्षण, कक्षा समवेशन या फिर अस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व या फिर आपका मेक बिलीव प्ले इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर आंसर, देखिए बात की गई है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे, उन्होंने किसकी बात की थी, उन्होंने बात की थी कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन की, इसमें आपका एक ही आंसर सही होगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, कॉन्टेक्स्ट ऑफ किसमें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, थैंक यू, ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, स्कीमास, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, कंडीशनिंग या फिर रीइन्फोर्समेंट, रीइन्फोर्समेंट की बात नहीं होगी, कंडीशनिंग की बात तो की है उन्होंने अपनी, कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, देखिए कॉग्निटिव जब भी वर्ड आता है कॉग्निटिव, तो गाइज ये बात करते हैं कॉग्निटिव वर्ड, ठीक है, कौन सी वर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं कॉग्निटिव वर्ड की, तो कॉग्निटिव वर्ड आपका जब भी आएगा तो मतलब क्या है, ये बात करता है माइंड की, ठीक है, माइंड की, तो माइंड की डेवलपमेंट की बात करेगा, तो उन्होंने यही कहा है कि देखिएगा इस क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चे के दिमाग में कैसे जो डेवलपमेंट है वो क्या कर सकते हैं, तो स्कीमा, स्कीमा जो है एक दो वर्ड आएंगे आपके, स्कीमा एंड रिस्पांस की थियोरी, ये क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट, स्कीमा एंड रिस्पांस किसकी बात करते हैं, स्कीमा बात करता है, याद रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजी एंड कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, स्कीमा, स्कीमा की बात, स्कीमा क्या होता है आप लोगों के माइंड में, जब बच्चे के माइंड में जब वो सिचुएशन को समझ कर क्वेश्चंस बनते हैं वो माइंड में ही उसको रिस्पॉन्स करने लग पड़ता है, तो उसको कहते हैं स्कीमास, उसके दिमाग में कुछ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो आने लग पड़ते हैं, स्कीमास याद रखेगा उसके माइंड में, जैसे उसने ये देखा उसने, बच्चे ने ये पेन देखा, तो पेन को देखकर उसके दिमाग में आ रहा है हाँ ये क्या है, इसका वर्ड क्या है, पेन, ये कब बोलेगा, अगर वो वर्ड बोल देता है पेन, तो ही हैज गिवन रिस्पॉन्स, उसने रिस्पॉन्स दे दिया, अब देखकर उसको लग रहा है कि ये कोई ऐसी चीज है जो कि ऐसे कलर की होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, पेन कहते हैं, ठीक है, इसको हम लकड़ी नहीं कह सकते, इसको हम लोग टेबल नहीं कह सकते, उसके दिमाग में इंस्ट्रक्शंस आने लग पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कीमास, और ये किस, कौन बात करता है, कॉग्निटिव, ये याद रखिएगा, जीन पियाजे ने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया था, तो आपको क्या आ जाएगा, स्कीमास विल बी द राइट वन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, आंकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, अब कहा गया है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, असाइनिंग रैंक्स टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के रैंक को असाइन करना, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, बच्चे के रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आप लोग क्या कर सके, कन्फ्यूजन को दूर कर सके, अंडरस्टैंड कर सके बच्चों के, देखिए असेसमेंट शुड बी, असेसमेंट ली जाती है, असेसमेंट क्या होता है, दो तरह की असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज सबमेटिव असेसमेंट, आज क्लास थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वाली है, या आप लोग कह लीजिए पहली क्लास है, तो ज़्यादा मैं आप लोगों का जो टाइम है वो नहीं लूंगी इस क्वेश्चन से, कल मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगी, पहले बात करेंगे हम लोग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की, असेसमेंट का उन्होंने कहा है, मैंने कहा था ना असेसमेंट पर आपको क्वेश्चन आएगा, तो वही बात हुई है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मतलब
एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक सबमिटिव असेसमेंट, इन पर क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। कल आपके लिए क्वेश्चंस भी होंगे, इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए करवाए जाएंगे। एक बैकग्राउंड क्लियर की है कि यस, उन सभी जो टॉपिक्स हैं उनमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कहा था कि थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी, साइकोलॉजिस्ट पढ़ने पड़े, साइकोलॉजिस्ट के ऊपर कितने क्वेश्चन आए हैं, एज यू हैव सीन कि साइकोलॉजिस्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो साइकोलॉजिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों के असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों के कल्चर डेवलपमेंट पर हो गया, बच्चे की डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों की पूछी जाएंगी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ना होगा। तो देखते हैं कि आप लोगों को कितना आएगा आने वाली क्लासेस में। आप लोगों के लिए क्लास रहेगी कल भी, जो कि प्रीवियस ईयर की बात करेगी, एमसीक्यू होगा, साथ साथ में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। आपको मैं बताती जाऊंगी कहाँ कहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में।